क्यों आएगा ब्रो, क्यों आएगा ब्रो? ये सल्फेट है, सल्फेट में S डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड टू O माइनस। अब यहां पर होगा डीलोकलाइजेशन, ठीक। यहां पर ये हो गया लिगेंड, लिगेंड हो गया, तो एक साइड जो है ऑक्सीजन वाली फंस गई किसके साथ, क्रोमियम के साथ, बाकी तीन बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो ये वाला बॉन्ड अब डीलोकलाइजेशन में नहीं था, अब केवल ये तीन रहेंगे। SO3 में भी इक्विवेलेंट होता है, S डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो है। टाइमर ऑफ SO3 में क्या होगा, साइक्लिक एसो क्यों होता है, एक वो इस बीच में होता है, क्यों होता है? आप बोलो क्या काम है? जो बी ऑप्शन है उसमें एसो एसो को जो वाले जब मैंने लिगैंड के फॉर्म में लिखा, तो एक तो ऑक्सीजन ने दे दिया डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो दूसरा वाला जो रेजोनेंस में रहेगा उससे सर तो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, वो आएगा तो उस पर तो उसको अगर इसको मोर नेगेटिव हो देंगे उसको नेगेटिव चार्ज अच्छा आने चाहिए ना, अगर उसको माइनस टू चार्ज इंक्लूड कर रहे हैं उसके अपन ऑक्सीडेशन या प्रोग्राम के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सल्फर को माइनस टू काउंट करते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ तो फिर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हमारे हिसाब से नहीं आएगा क्वेश्चन, क्यों माइनस चार्ज लिखना चाहिए लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ लिखने की, सही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये ओलंपियाड में एज इट इज आया ही। अब आप पता नहीं मेरे को कौन सी केमिस्ट्री बता रहे हो, कहाँ लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, क्यों लिखेंगे? क्लोरीन के चार्ज लिखा है ना कहीं पे, तो के अंदर आई क्लोरीन, तो उसमें क्या सी माइनस लिखा है यहाँ, नहीं था ना कि इसका एक नेगेटिव चार्ज से काम ही नहीं आ रहा, पड़ा हुआ है, पड़ा है ना, एक साइड से दे रहा है तो, और अगर बी से ज्यादा साइड से दे रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिखता है, साफ साफ दिखता है। क्रोमियम की सिक्स से कोऑर्डिनेशन नंबर चारों तरफ ले तो वैसे ही आएगा। खैर ये क्वेश्चन आ चुका था, तो मैं बताया कि कर देते हैं, थोड़ा रिवाइज होगा थोड़ा लिख करते आओ, नए साथी हमारे लिख के जाए इसमें। लिंकेज आइसोमेरिज्म देखिए वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बीडेंटेड लिंकेज लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है जिसे एक साइड से भी दे सकता है और दूसरी साइड से दे सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक टाइप साइड से देगा, इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये शोन बाय दोस कॉम्प्लेक्स is shown by those complex in which ambidentate ligands are present, जैसे अगर देखें तो प्लेटिनम NH3 होल 5
प्लैटिनम एनएस3 होल 5 एनओ2 सीएल पे अब इस कंपाउंड में एक तो NO2 हो सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है और इसी कंपाउंड में एक और भी हो सकता है प्लैटिनम एनएस3 होल 5 हाँ तो ये तो नाइट्रेट हो गया और ये नाइट्रो हो गया तो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड रखते हैं वो इस तरीके की टेंडेंसी रखते हैं तो ये हमारी होती है लिंकेज आइस उसमें लिंकेज जो है बढ़े अब आप मुझे बताइए क्या लिंकेज आइसोमेरिस को ये लिंकेज आइसोमर्स को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है भाई इससे पहले वाले तो क्वांटिटेटिव स्पीड के बाहर आइस वगैरह आ रहे थे तो उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है लेकिन इस केस में यहां पर क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है प्रेसिपिटेशन क्या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह डाल के या कंडक्टिव मैट्रिक्स से किसी से पीछे वाला कोई मेथड नहीं लगता लिंकेज आइसोमेरिज्म है तो इसमें क्या होगा स्पेक्ट्रा लेते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और आप उसको प्रेसिपिटेशन से कंडक्टोमेट्रिक मेथड से या और किसी भी मेथड से आइडेंटिफाई केमिकल मेथड से नहीं कर सकते नो डाउट दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कांट बी डिस्टिंग्विश्ड type of isomers oblique isomerism is can't be distinguished by precipitation reactions by precipitation method sorry by precipitation method comma conductometric method comma conductometric method comma डिहाइड्रेटिंग मेथड कोई भी मेथड नहीं लगता ठीक है नेक्स्ट लाइन देखना इट इज आइडेंटिफाइड ओनली इट इज आइडेंटिफाइड ओनली बाय इट इज आइडेंटिफाइड ओनली बाय absorption spectra of the molecule absorption spectra of अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा करता क्या है पता कैसे लगता है कि NO2 और 4NO में कौन सा लिगेंड अंदर है जेनेटिकली इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं तो देखिए जब N डोनर साइड होती है ना तो ये स्ट्रांग वीक लिगेंड की तरह काम करता है जब O डोनर साइड होती है ना तो ये वीक लिगेंड की तरह काम करता है तो ये जो है ये ज्यादा ट्रांजिशन कराता है भाई स्ट्रांग लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है तो जो ट्रांजिशन होगा स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन होगा कैसा होगा
कौन ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा और कौन कम करेगा, तो अलग अलग हम जो है वहां पर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं। देख लीजिए इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बोर्ड लगा के लिख लीजिए, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एनर्जी सप्लाई बाय लिगेंड्स। ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एनर्जी सप्लाई बाय लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड produces more transition अब इन बिटवीन NO2 एंड ONO NO2 इन बिटवीन NO2 एंड O N O in between NO2 and O and O, NO2 is strong ligand due to the donor side is nitrogen, NO2 is donor, NO2 is strong ligand due to donor side of nitrogen. And hence it is strong field ligand SFL. Hence it is strong field ligand will show more absorption. अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है इन स्टेप का, जैसे मैं इसमें मल्टीपल कमाते हैं एडवांस में जाता हूँ, जैसे एक कंपाउंड दिया उसमें, इन द फॉलोइंग कंपाउंड सी टी गेट्स टू एनओ थ्री एस टू, which type of isomerism can be present, can be observed, which type of isomerism can be observed? जैसे पहला है हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, दूसरा है लिंकेज, और तीसरा है आयनाइजेशन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑल। सिम्बायोसिस का नाम सुना है? सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस बायो में, बायो पढ़ाते हैं, बायो में पढ़ाते हैं, क्या होता है? वो एक दूसरे में एक दूसरे को एक काम करते हैं, हां ये क्या होता है सिम्बायोसिस?
ये कंसेप्ट है सिम्बियोसिस की। इसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। हाथ लगाने पे हम भागते तो नहीं, आंसर लगाने
चाहिए। देखिए यहां पर क्या है कि जो कार्बन है ना, क्या जो कार्बन है अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सी एन माइनस रहा हो, सही है, तो इसका एक जो है इधर पे कोऑर्डिनेट हो गया। अब बात आती है एन एस थ्री की, तो यहां पर जो एन एस थ्री है ये है पांच एन एस थ्री से बन, इंपॉर्टेंट है ये, तुमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो इसका जो है यहाँ पर लोन पेयर है ना, ये इस नाइट्रोजन को म्यूचुअली डोनेट करेगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, कार्बन और साइनाइड ग्रुप जो है इसलिए इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ये एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड कर रहे हैं। नाइट्रोजन अपने इधर वाली साइड से हो, ये अपना इधर वाली साइड से, तो दिस रोमेंट नो एज सिम्बायोसिस एंड बी इज मोर फेवरेबल देन। एक आइडिया और कि क्या होता है जनरली लोग करते हैं, बार आने से तो दोनों नाइट्रोजन दोनों तरह से नाइट्रोजन का यूज हो, दोनों तरफ एनएस थ्री एनएस थ्री आपकी इंफॉर्मेशन के मैं ये बता दी, ऐसा भी कुछ होता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का इशू मिल जाता हूँ, ऐसे कोऑर्डिनेशन का फॉर्म शो करते हैं जिनके लिए कहता है ना और रहना है दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोस कंपाउंड्स एंड वाइस ऑफ और
इसे प्लैटिनम NS3 होल 4 है, प्लैटिनम प्लस 2 होल है और PtCl4 2 होल है। क्या आप इनके लिगेंड एक्शन कर सकते हैं? चार से कट लेगी, चार से मतलब चार से मतलब ही नहीं, चार हो गए सर, चार हो गए तो ये माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होगा जब आप एक क्लोरीन इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस वन प्लस वन, ये प्लस वन रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस थ्री हो जाएगा। तो करेंगे चार का चक्कर बन गए, घटक क्या ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? क्वेश्चन यही है, मतलब ऐसे बना के पूछ देता है, जैसे मान लो उसने कहा बता बेटा ये 3D NS3 हमें यही सीखना है, हमसे बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछना है। लास्ट ईयर में पेपर में उससे पहले भी पेपर उठा के देखो तो आपको यही पूछेगा कि साथ PtNS3 होल थ्राइस Cl माइनस और PtCl4 Cl3 NS3 है वो क्या लगता है कि अरे ये तो कोऑर्डिनेशन है इसमें रिजल्ट होता है। अरे एक क्लोरीन इधर से इधर लिया है और एक NS3 इधर से इधर पहुंचा दी, ये कंपाउंड बना ए डी और एक्सचेंज कर लिया और एक्सचेंज करने में लोग उत्साह होते उत्साह उत्साह होते PtNS3 होल टूआइस Cl2 इस कन्वर्टिंग इनटू PtCl2 NS3 होल टूआइस। अरे चाचा इसपे भी इसपे क्या है? जीरो चार्ज, इसपे भी जीरो चार्ज, ये नहीं तो कैटायनिक एनायनिक पार्ट होने चाहिए ना। बी वाला बी वाला तो हो जाएगा ना, बी वाला का फर्स्ट वाला प्लस वन आ रहा है, दूसरा माइनस वन आ रहा है, क्या है चार इस पे सी डी प्लस टू है और क्लोरीन एक माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन आ जाएगा फर्स्ट वाले उधर माइनस वन आ जाएगा इस पे कितना आ रहा है माइनस माइनस वन तो ये तो हो जाएगा और S3 Cl3 converting into Pt NS3 Cl और एक और भी बना सकते हैं Pt Cl4 2- और Pt तो देखिए A और F तो सेम हो गए, AF सेम है, A और F अपने क्या हो गए सेम हो गए और B और D भी सेम है, B and D are सेम, यानी कि बी और डी सेम है, सी अलग है, इतने तो वेरिएशन है, है ना, इतने तो वेरिएशन है इस कंपाउंड के, अगर हम लिगेंड और आयन अगर स्विच करेंगे तो इतने इसके वेरिएशन है, है?
इनिबिट और कौन से कोऑर्डिनेशन आइसोमर से शो करेंगे, तो पहले तो सारे पॉसिबल बना लिए जाते हैं जितने भी, फिर उसमें देख लिया जाता है कि जो चार्ज है ना वो बैलेंस है ना। बैलेंस का मतलब आपस में ऐसा ना हो कि एक पे प्लस टू चार्ज आ जाए, एक पे माइनस टू माइनस थ्री आ जाए, ऐसा इम्बैलेंस चार्ज नहीं होना चाहिए। जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बैलेंस चार्ज आएगी वहां पर क्या होगा? अब जैसे यहां पर है, इस पे ये प्लस वन चार्ज आ जाएगा और इस पे कौन सा आएगा? माइनस वन। तो ए और बी तो शो कर सकते हैं, सी तो कुछ है नहीं, इस पे जीरो चार्ज, इस पे भी जीरो चार्ज, यहां खराब हो गया नहीं, दिस इज नॉट द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, अब चूंकि बी और डी सेम थे तो लगता ही खत्म हो गया, यानी कि ए बी डी एफ चार अरेंजमेंट है जिनमें दो सेम है, यानी ये तो ए बी करेगा, ए बी करेगा, ए एफ करेगा, ए और एफ तो सेम है, हाँ तो या तो ए बी का सेट बना लो या एफ डी का बना लो या ऐसे बना लो या ऐसे बना लो जैसे आपकी इच्छा बनाए, जैसे आपको समझ लो वैसे बना। तो इसका फंडा क्या है? इसका देखिए फंडा ये है, पहले आप सारे पॉसिबल अरेंजमेंट एक्सचेंज एक्सचेंज करके बना लो ठीक, फिर आप जीरो को काउंट नहीं करना है, जिसमें जीरो आ रहा है उसको काउंट नहीं करना है, और बाकी जिनमें चार्ज अपना बैलेंस है अकॉर्डिंग टू कैटायन अकॉर्डिंग टू एनायन चार्ज आ रहा है वो हमारे आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे एक कंपाउंड में दे रहा हूं इसका इसके आप बताइए कितने पॉसिबल कंपाउंड दे रहा हूं और CrCl CrCl6 इसमें बताइए कौन कौन से और कितने इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं? हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स for the compound they exist? How? पहले तो सारे बना लो भाई सब, कौन सा बन सकता है चेन हो गया फिर इस थ्री तो सारे बनेंगे फाइव सी एल सी एल फाइव एल एस थ्री ये वाला नहीं करना,
इसके लिए बार बार ये करेगा नहीं करेगा जीरो आ गया इसमें। इसके बाद वाले रिपीट हो जाएगा एलिमेंट अलग अलग संभव है और रिपीटेशन नहीं है तो आगे बहुत दो है तो ये एफ ई एन एस थ्री और ट्वाइस सी एम फोर कन्वर्टिंग इनटू CR, ये इसमें कितना चार्ज आ रहा है माइनस CR CL4 CL2 पहले इस तरी हो इसमें प्लस वन चार्ज आ रहा है फिर नेक्स्ट आता है FE NS3 CL5 माइनस टू चार्ज आ रहा है इसमें CR CL NS3 वन फाइव प्लस टू चार्ज है आएगा और फिर एक और है एफ ई सी एल सिक्स थ्री माइनस और एक आएगा सी आर एन एस थ्री वन सिक्स